हाय गाइस, गुड इवनिंग दोस्तों। आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.2 में स्वागत है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं, एक नया टॉपिक मिलने वाला है आपको 3.2 में, कुछ नया मिलने वाला। अभी जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में आप पढ़ रहे थे दोस्तों इंट्रो, जैसा कि आपको बताया गया था। इसके पहले वाले में आपको ग्राफिकल मेथड भी बताया गया था दोस्तों। तो चलिए एक्सरसाइज 3.2 में हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं क्वेश्चन। तो एट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप मार्किंग करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें जो कुछ गिवन किया गया है हम बता देंगे, आप अराउंड लिखते चलेंगे। बताया गया है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, उसके बाद एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफली। ये जो नीचे आपके दो क्वेश्चन फर्स्ट वाले में आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट टू क्वेश्चन है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, ग्राफिकली के माध्यम से आपको सॉल्व करने होंगे दोस्तों। जैसे कि जानते हैं ग्राफिकली आप बहुत पढ़ चुके हैं और आपको ऑलरेडी पता भी है। तो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास गिवन क्या गया है क्वेश्चन में, किया गया है गिवन यानी कि दिया गया है। बताया गया 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक क्विज, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टू पार्ट इन द क्विज। बताया गया है कि 10 स्टूडेंट्स, ये गिवन किया गया है कि 10 स्टूडेंट्स वो भी किस क्लास में, ऑफ क्लास टेंथ। क्लास टेंथ में आपको 10 स्टूडेंट हैं, जबकि बताया गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो लड़कियों की संख्या है ऑलरेडी आपके 4 ज्यादा है। जैसे आप प्लस में होता है, जैसे फोर्थ में होता है ये आपका कितना होगा, 10 होगा। जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, ये मान लेते हैं ये 10 हो गया आपका ऑलरेडी। तो इसे क्या करेंगे, इसी संख्या में वो भी 10 के बच्चे हैं ऑलरेडी, आपको बताने क्या है कि 1 2 3 एक में ले लेते हैं एंड 1, ये इतना 7th गर्ल्स हो गई और ये बॉयज हो गए। तो ये देखिए 3 3 इक्वल है दोनों में, अब ये 4 लड़कियां ज्यादा हैं। तो जब 4 लड़कियां ज्यादा हैं तो दोनों पार्ट को आपको इक्वल करने के लिए क्या करने होंगे दोस्तों, ये बॉयज में आपको 4 ऐड कर देने होंगे। क्यों, क्योंकि एक तरफ 7 है एक तरफ 3, तो दोनों को ऐड जब इक्वल करना होगा तो इसमें 4 जुड़ जाएगा। ओके अंडरस्टूड। चलिए अब क्या करते हैं, आप सॉल्यूशन डाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे सॉल्यूशन, चलिए बात करते हैं आप सॉल्यूशन की, कि अब यहाँ पे सॉल्व किया जा रहा है। ये आपका भी स्टार्ट होता है सॉल्यूशन, तो इसमें लिखेंगे कि माना लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी वाई एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि लड़कों की संख्या वाई मान लिया है और लड़कियों की संख्या एक्स, आपका मन है कुछ भी मान सकते हैं, एज योर विश। ओके एज योर विश, तो ऑलरेडी इतना पता हो गया। अब क्या कहा जा रहा है कि आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपका हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हो सकता है, 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो हम मान क्या लेते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, क्योंकि x और y लड़कियां और लड़कियों की संख्या पूरे टोटल 10 है। ओके उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि अब यहाँ पे बताया जा रहा है, फर्स्ट तो हो गया, फिर आपकी एक सेकेंड, ये फर्स्ट में हो जाएगा, फिर क्या हो रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन, तो जो लड़कियों की संख्या है इक्वल टू ये सॉरी वाई, यानी कि आपका कितना है वाई, तो बॉयज की संख्या मान लेते हैं, वाई आपके कितना है बॉयज की संख्या, तो इस साइड भी जोड़ सकते हैं इस साइड भी, तो एक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा वाई, एक्स इक्वल टू वाई कर सकते हैं, वो भी लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे ये इधर 7 ले लेंगे इधर 3, तो इसीलिए अभी जस्ट बताए थे कि यहाँ पे इक्वल करने के लिए 4 ऐड कर दिए हैं। उसके बाद अब हो गया, अब ये इक्वेशन नंबर हम क्या बना लेते हैं सेकंड बना लेते हैं, क्या बना लिए इक्वेशन नंबर सेकंड बना लिए। अब ये क्या करेंगे फर्स्ट से, फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करेंगे x प्लस वाई टेबल निकाल लेंगे, टेबल निकालने के बाद जस्ट आप ग्राफ बना लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो गया। अब इसे ऑलरेडी हम कर सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 10 माइनस वाई, क्योंकि पॉजिटिव है उस साइड जाएगा इक्वल के, आपका नेगेटिव हो गया। ओके अब क्या करेंगे, अब यही टेबल बना लेंगे, अब यही चल के
टेबल बना लिए, ये देखिए ये आप एक्स ले लिए, ये वाई ले लिए। अब क्या किया जाए, अगर वाई में जीरो रख दिया जाए, वाई में अगर जीरो रख दिया जाए तो आपका होता क्या है। अगर वाई में जीरो रख देते हैं, ये देखिए, तो 10 माइनस 0 एक्स इक्वल टू कितना बचेगा, ओनली 10 बचेगा, तो यहाँ पर 10 हो गया। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले में क्या करते हैं, ये तो जीरो ले लिए, अगर इसमें 10 ले लेते हैं, x y इक्वल टू 10 ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, जीरो बचेगा। 10 माइनस 10 यानी 10 सब्सट्रैक्ट 10, तो जीरो हो जाएगा। ऑलरेडी फर्स्ट वाला बन गया। अब ऐसे सेकंड भी कर लेंगे, ऐसे क्या करेंगे, सेकंड वाला भी बना लेंगे। चलिए सेकंड बना लेते हैं, ये इतना पता हो गया। चलिए सेकंड अब क्या है, x कहाँ गया, ये रहा, x इक्वल टू वाई प्लस 4, इतना है आपका। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू वाई प्लस 4 हो गया है। अब इसे अगर ऑलरेडी ये क्वेश्चन है, ये आपका है, ये इसे हम डायरेक्टली कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली बना लेते हैं। ये देखिए टेबल बना लिए, x हुआ y, यदि y के स्थान पे आपका कितना रख दिया जाए, y के स्थान पे अगर हम रख देते हैं कोई भी संख्या मान लेते हैं, कोई भी संख्या मान ले लेते हैं, जैसे हम क्या रख दिए, 4 रख दिए, कोई भी, सिर्फ गेस लगा के रखना है, सिर्फ, तो सिर्फ आपको क्या करना है, गेस लगा के रखना है। जैसे मान बताया आपको, y के स्थान पे अगर हम 0 रख दे रहे हैं, तो आपका ऑलरेडी x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, x इक्वल टू 4। अगर इसी y के स्थान पे 1 रख देते हैं, तो 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5। तो अगर क्या रखेंगे, y का मान 1 रख देंगे, तो ये ऑलरेडी 5 हो गया। इतना आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यही टेबल बना लेते हैं। टेबल जब बनाते हैं सारा पॉजिटिव में ही है, तो ऑलरेडी आपको पॉजिटिव ही लिखने की जरूरत है, निगेटिव कोई लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए ये देखिए, ये आपका मूल बिंदु हो गया, ये 0 हो गया, ये x डैश है, y डैश है, एंड ये y है और ये x है। ओके, यहां तक समझ में आया। अब यहाँ पे मूल बिंदु तो ऑलरेडी 0 है ही, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 तक इसलिए ले गए हैं, ये देखिए आपके वाले में लेक्चर में आपके टेबल 10 तक आया है। यहाँ भी ऐसे कर लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड 10, एंड आपका क्या हुआ, 10, यहां तक गया। अब क्या कह रहा है, अब यहां से फर्स्ट वाले इक्वेशन से देखेंगे, x का मान, x आपका 10 है, ये देखिए x अक्ष आपका 10 हुआ और y अक्ष आपका 0 हुआ, एक तो इक्वेशन यहां पे बना। तो पहले x y ऐसे लिखा जाता है कि x का मान आपका 10 हुआ, y का मान आपका 0 हो गया। ऑलरेडी यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, x अगर आपका 0 हो और y आपका 10 हो, तो यहां पे बना रहा है, तो इसकी संख्या हम यहां पे लिख सकते हैं 0, 10। ओके, उसके बाद ये ऐसी संख्या ले जाएंगे, इसको पूरा काटते हुए जाएगी, ये संख्या आपस में इसको काटते हुए चली जाएगी, तो ये देखिए इसको काटते हुए गई, एक सेकेंड, जिससे सीधी ही रेखाएं जाए, जिससे क्या हो, एकदम सीधी रेखाएं जाए। इस साइड से देखेंगे, मान लेते हैं 10 ही, चलिए यही है, ओके, पॉइंट आपका यही बनेगा और ये 10, तो इस 10 से इस 10 तो काटते हुए निकल गई रेखा है। फिर क्या कह रही है, सेकंड वाले में देख लेंगे कि x अक्ष पर 4 बिंदु होते हैं, x पर 4 और y पर 0 होते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 4, 0। ओके, तब इस पे x अक्ष पे आपका 5 हुआ और y पर 1 हुआ, तो 1 के अकॉर्डिंग यहाँ से ले जाकर के यहाँ तक हुआ, यहाँ से ले जाकर के आपका यहाँ तक हुआ। अब क्या हो जाएगी, ये काटते हुए निकल जाएंगी, ये रेखाएं ऐसे, ये देखिए ऐसे काटते हुए आपके निकल जाएंगे। तो जब यहां से ऐसे काटते हुए निकलेंगी, तो ऑलरेडी आपका क्या होगा, इस किस बिंदु पर काट रही है, ये किस बिंदु पर काट रही है, तो उसका मेन पॉइंट होगा, ये किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है, तो यहाँ पे मेन पॉइंट इसका हो जाएगा 7। पहले x अक्ष लिया जाता है, उसके बाद y अक्ष, और किसके है बीच, बीच आप ऑलरेडी मानेंगे 3 के बीच, किसके बीच, 3 के बीच। तो आपका आंसर कितना आएगा, ये कोई भी संख्या मान लेते हैं, डी ही मान लेते हैं, कोई भी संख्या डी मान लेते हैं, कोई भी मान सकते हैं। तो मेन पॉइंट पर यानी कि इंटरसेकिंग कर रहा है, ये कौन सा आपका ग्राफ बना, इंटरसेकिंग, ये इंटरसेक्टिंग कर बना, तो जहां पे x इक्वल टू आपका 7 आया, y इक्वल टू
अब इससे हम प्रूव भी कर सकते हैं कि क्या ये सही आया है या नहीं आया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे रिमूव करेंगे, उसके बाद आपको हम बता देंगे कि सही आया है आपका आंसर या फिर गलत। तो ये तो आपका ऑलरेडी ग्राफ बन गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे दिस टू लाइन्स, यानी कि ये दोनों लाइन, एक तो ये वाली एक ये वाली लाइन, तो दिस टू लाइन्स आपका क्या है, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। एट पॉइंट नंबर आपका क्या है, 7.3, एट जो है 7.3, जहां पे वेयर एक्स इक्वल टू 7 एंड वाई इक्वल टू 3। ये तो आपका बन गया है यहां तक, इज द रिक्वायर्ड, जो कि इसको सहमति प्राप्त करता है। लिखना चाहे तो लिख देंगे, इज द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड। ओके, अब यहां तक बन गया। अब आपको क्या करना है, यही 7 और 3 हम क्या करते हैं, आप डालेंगे वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन यानी कि पुष्टि के लिए, पुष्टि के लिए करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो x का मान 7 प्लस 3 इक्वल टू 10, ये देखिए 10 इक्वल टू 10, यानी कि एलचस, इसे चाहे हैंस प्रूव लिखिए या फिर एलचस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि दोनों साइड आपका इक्वल है। ऐसे सेम कंडीशन ये वाला भी कर लेते हैं, तो यहां पर भी x का मान आपका कितना हो गया है, 7 है, y आपका कितना है, 3 है, तो इक्वल टू 3 प्लस 4 वो कितना जाएगा, 7 इक्वल 7। तो ऑलरेडी आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। ऐसे सेम कंडीशन हम सेकंड वाला भी करते हैं, तो फटाफट इसके साथ ले लीजिए। यानी कि आपका इक्वेशन इतना दिया गया था, 10 स्टूडेंट थे, दोनों हम बना लिए कि लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा थी, तो ऑलरेडी वो 7 थी, तो इसलिए बॉयज में जोड़ दिए, दोनों का टेबल निकाल करके ग्राफ बना दिए। अब ग्राफ इंटरसेक्टिंग है, तो इसीलिए वेरिफिकेशन यानी कि वेरीफाई करने के लिए आप ये सी एक्स वाई का मान इस इक्वेशन में रख करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सही होता है दोस्तों, तो ये ऑलरेडी आपका सही है। अगर गलत होता है तो यहाँ ग्राफ में आपका गलत आया हुआ है। ओके, चलिए इसके शॉट ले लीजिए फटाफट। ऐसे हम सेम बताएंगे आपको सेकेंड वाला भी, ऐसे क्या बताएंगे, सेकेंड वाला भी सेम ऐसे है। सेम ऐसे आपके होंगे, वो वाला भी देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों, देख लेंगे। गिवन क्या किया गया है, दिया गया है 5 पेंसिल, 5 पेंसिल एंड 7 पेंस का मूल्य कितना दिया गया है, 50 रुपीज, सॉरी 50 रुपीज। ओके, उसके बाद फिर दिया गया है 7 पेंसिल एंड 5 पेन, यानी कि अपोजिट कर दिया गया है, इसकी संख्या कितनी है, 46 रुपीज। ये तो ऑलरेडी आपका दिया गया है। फिर क्या करने हैं आपको, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट वन ऑफ पेन। बताया गया है कि अगर 5 पेंसिल और 7 पेन का दाम पूरा रेट आपका 50 रुपीज है एंड 7 पेंसिल एंड 5 पेंस का आपका रेट 46 है, तो कैसे हम इसे इक्वेशन से बनाते हैं। इक्वेशन में क्या करना है, ग्राफली के माध्यम से आपको सेट करना है, जैसे पहले वाले में किए थे। अब इसका इक्वेशन हम बना लेंगे। करते क्या है कि लेट, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट यानी कि हम उसको क्या करते हैं, जब तक एक एक पेंसिल और एक पेन का दाम हमें पता, रेट पता नहीं होगा, तब तक हम इसे निकाल नहीं सकते हैं। तो सेम उसी के लिए हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ आपका क्या हो जाएगा, पेंसिल, वो भी 1 पेंसिल, 1 पेंसिल बाई क्या हो जाएगा, लेट माना द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम आप क्या मान लिए, x रुपीज मान लिए एंड और क्या है, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंस, अब पेंस का मान क्या है, बाई y रुपीज,
रुपीज। ओके, पेंसिल का मान हम एक्स मान लिए उसका। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के आंसर क्या कह रहा है, फाइव पेंसिल, फाइव पेंसिल को हम एक्स माने हैं और पेन को हम वाई, तो पेन के स्थान पे हम वाई लिखेंगे, पेंसिल के स्थान पे एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना रहे हैं, फाइव एक्स प्लस सेवन वाई हो जाएगा इक्वल टू, इसका मान कितना है 50 रुपीज। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। सेकंड वाला हो जाएगा सेवन एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू 46। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सेम कंडीशन जब हमारा इक्वेशन बन गया तो टेबल बना लीजिए, टेबल बनाने के बाद आप ग्राफ बना दीजिए, बात खत्म। चलिए तो फर्स्ट वाला हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से तो फाइव एक्स इक्वल टू आप कर सकते हैं 50 माइनस सेवन वाई, ऑलरेडी ये लिख सकते हैं कि नहीं, लिखा जा सकता है, इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू 50 माइनस सेवन वाई अपॉन, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है डिवीजन में आ जाएगा, तो एक्स का मान ये आ गया। अब यहाँ पे हम टेबल निकाल लेंगे, क्या करेंगे टेबल निकाल लेंगे, ये देखिए यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई, अगर वाई का मान कितना माना जाता है कि आपका क्या हो जाता है, ये वाई का मान अगर हम क्या मान लें, जीरो मान लें तो आपका 10 आ जाएगा। कैसे, वाई का मान अगर हम जीरो मान लेते हैं तो यहाँ पे तो ये संख्या सारी जीरो हो जाएगी, यहाँ पे 50 बचेगा तो 10 टाइम्स में आपका कट जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आपका डिवाइड हो जाएगा, इतना हो गया। जीरो मानते हैं तो आपका 10 आ जाता है, अगर यहीं पे 5 मान लेते हैं तो हो जाएगा माइनस 7 5 35। जब इसे क्या करेंगे, पूरा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 आ जाएगा, उसके बाद 1 तो अपान 5, 5 से 3 में कट जाएगा यानी कि डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप अगर क्या मानते हैं, 5 मानते हैं तो आपकी संख्या 3 आ जाती है, वाई अगर 5 मान लेते हैं तो वो क्या आ जाती है, 3 आ जाती है। ऐसे सेम कंडीशन सेकंड वाला भी बना लीजिए, 7x इक्वल टू इसे लिख सकते हैं 46 माइनस 5y, लिखा जा सकता है, जरूर लिखा जा सकता है, ये 7x हो गया, उसके बाद प्लस 5y आपका हो गया, उसके बाद बना सकते हैं इतना हो गया। अब x इक्वल टू एम्प्लाइज दैट सेम ऐसे प्रोसेस 46 माइनस 5y अपान, ये डिवीजन में है, मल्टीप्लाई में है, डिवीजन में हो जाएगा, x का मान चलिए इतना आ गया। ओके, अब यहाँ पे फिर टेबल बना लेते हैं वही प्रोसेस करके, x हो गया y हो गया, y का मान कितना माना जाए कि आपका ये पूरा कट जाए, ऐसे देखते हैं कि जिससे कम, मिनिमम से मिनिमम संख्या लेंगे जिससे आपका ये क्या हो जाए, आराम से डिवाइड हो जाए। अगर मान लेते हैं हम क्या मानते हैं, 5 मान लेते हैं, 5 मानेंगे तो क्या हो जाएगा 46 माइनस 5 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा अपान 7, इसे जब मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या हो जाएगा 1, तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो जब यहाँ पे 5 मान लेते हैं यानी कि वाई की संख्या 5 25, ये 5 टाइम्स जाएगा तो एक्स 3 बार आ जाएगा। अगर यहीं पे 4 मान लेते हैं, 4 मानते हैं तो 5 20 माइनस 20 हो जाएगा, 46 में 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका कितना बन जाएगा 26, अब 26 में 7 टाइम्स ले जाएंगे तो आपका बचेगा कितना, मल्टी भाग दे करके आप देख लेंगे 3.7 आ जाएगा, कितना आएगा 3.7, ये देखिए 26 सात्रिक 21 हो जाएगा, बचा कितना 5.0 7 49। ओके, फिर वैसे ऑलरेडी चलता जाएगा 3.7 आ गया। ओके चलिए, यहाँ तक आपका ऑलरेडी हो गया। अब हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, अब हम क्या बनाएंगे, सेम जैसे पहले ग्राफ बना हुआ था अब वैसे हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाने वाले हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। अब ऐसे हम इसका क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे, चलिए देख लेते हैं। निगेटिव तो है नहीं, निगेटिव लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ तो सिर्फ हम पॉजिटिव ही लिखेंगे, आपका बेटर रहेगा। तो ये देखिए पूरा पॉजिटिव 10 तक गया है, कितना एक्स अक्ष 10 तक गया है, वाई सिर्फ मैक्सिमम 5 ही गया है, तो यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं, मूल बिंदु यानी मेन पॉइंट हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर एंड फाइव, ये आपका हो गया वाई, ये वाई डैश, ये एक्स डैश एंड ये एक्स है, यहाँ पे मानेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, 10 तक मान लिए। अब क्या कह रहा है, फर्स्ट इक्वेशन से देख लेंगे, एक्स अगर 10 हो, चलिए पॉइंट 10 हो, तो वाई का 0 हो,
यहाँ पे लिख सकते हैं 10, 0, क्योंकि यक्ष अक्ष है, यक्ष हो गया, वाई हो गया। उसके बाद सेकंड क्या कह रहा है, यदि यक्ष 3 हो और वाई 5 हो, ये देखिए वाई 5 हो, तो ऑलरेडी ये कितना हो जाएगा, यदि यक्ष 3 हो और वाई 5 हो, इतना बन गया। तब इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, मिला देंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मिला देंगे। चलिए ये काटती हुई एक रेखा बन जाती है। फिर सेकंड वाले में चलेंगे, जिससे हम लिखते चलेंगे, जिससे आप भूले ना, 3, आपका 5 हो जाएगा यहाँ पे 3, हाँ सही है। फिर यहाँ पे एक्स आपका 3 है, चलिए एक्स आपका 3 है, वाई 3 है, वाई 5 है, सेम वही प्रोसेस, फिर वही मिलता है पॉइंट। फिर नेक्स्ट वाला है 3.7, आपका एक्स अक्ष है, 3.7 लगभग इस बार में, क्योंकि इस दोनों के बीच में देखिए, बीच में आपका 10 लाइनिंग होगी, 5 लाइन तो 2.5 होता है, 5 लाइन में 2.6, 2.7, तो ये ऑलरेडी कितना है, 3.7, तो 3.7 यानी कि 3 एंड 4 के बीच में होगा, तो ये इस पे आता है, यहाँ पे आके टिकता है। ओके, ये वाई अक्ष आपका 4 है, 4 हो गया है, मतलब कि यहाँ से यहाँ इसकी संख्या हम क्या मान सकते हैं, यहाँ से ऑलरेडी इसके इसके बीचों बीच, इसके क्या हो जाएगा, बीचों बीच हो जाएगा। अब ये कैसी लाइनिंग आएगी, ये इसको क्रॉस करते हुए ऐसे सेम पॉइंट, क्योंकि 5 भी मिल रहा है, क्योंकि आपका जो 5 पॉइंट है ये भी मिल रहा है, तो इन दोनों पे काटेगी ऐसे, देखिए ये देखिए, ये इसके बीचों बीच है पॉइंट। ओके, तो इन दोनों के पॉइंट के बीच ये काटते हुए रेखाएं निकल गई हैं, तो ये ऑलरेडी आपका इक्वेशन बन जाता है। यहां तक तो आपको इक्वेशन ऑलरेडी समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग की कोई आप बात करते हैं तो क्या होगा, 3 एंड 5 हो जाएगा, वो भी कैसे, ये देखिए यहाँ पे एक 3 पे काट रहा है, एक 3 वाला पॉइंट हो गया है, और ये 5, ये 5 का पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे, और एक 3 का पॉइंट हो गया है, 3, 5 हो जाएगा, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5, ये आपको इसी पर इंटरसेक्ट करता है, इसी पर इसका जो बिंदु है वो काटता है, अगर निकालना चाहे इसी इक्वेशन में मान रख के। ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन तो आपका ऑलरेडी यही है, 5x+7y=50 है, x का मान आपका कितना है, 3 है, तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, 15 हो गया, उसके बाद 35 इक्वल हो गया ना, 50 इक्वल टू 50, ये हो गया। और सेकंड वाला ऐसे कर लेते हैं, 7 एंड x का मान आपका 3 है, इंप्लाइज दैट आपका 21 हो जाएगा, उसके बाद 5 में 5 का मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 46, अब इसे देख लेते हैं, 46 इक्वल टू 46, ये भी हंस प्रूव हो गया। ओके, तो ये सिर्फ वेरिफिकेशन था, वेरीफाइंग, ये आपका वेरीफाइंग किया गया है, वेरीफाइंग यानी कि वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये ऑलरेडी आपका इतना मान आया है या नहीं आया है। तो आई गेस यहां तक तो आपको लेक्चर समझ में आया होगा दोस्तों, यहाँ तक आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो आई गेस नेक्स्ट वाला आपको, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकेंड बता दिया गया दोस्तों, अब दूसरा और तीसरा क्वेश्चन नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन में प्रेस कीजिए, तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए यहाँ से वीडियो अपलोडेड हो जस्ट आपके पास पहुँच जाए, और आप पढ़ लें, आपसे एक भी वीडियो छूटने ना पाए। थैंक यू दोस्तों।